घर झाड़ रहे थे ना, घर उड़ रहे, कुक सहित रहते थे, इतना चेंज पैसा, थोड़ा 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 थोड़ा, कभी डब्बा में, ये सब देखो पुराना पुराना पैसा कैसे सड़ सुड़ गया है ना, सब खराब हो गया है। पता नहीं, पांच वाला तो चलता है ना, ये एक वाला बंडल भी हम मंगा के सोचे थे ना अपने भाई के शादी में जाएंगे तो सबको खर्च करेंगे, ये अभी तक इसी तरह पड़ा हुआ है। ये भी एक रुपया का है, पुराना जमाना वाला है ना, ये सब दो दो रुपया वाला चलता होगा। दो रुपया का नोट देखिए कभी ऐसा वाला, तुम देखिए, इतना सारा चेंज, इसमें से 10, 5, 2, 1, 50 पैसा, 10 पैसा, इस सब कुछ छाटना होगा ना। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, इतना सारा हो गया। एक का बंडल मंगाए थे, जानती हैं इनके थी, इनके दोस्त के भाई से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम सुबह सुबह पूरा घर है, सैटरडे था, कोई काम धाम नहीं था, तो आज हम पूरा घर को अच्छे से झाड़े हैं, तो सब जगह से थोड़ा 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 चिल्लर कब कब का पैसा सब निकला है, तो वो ढेर सारा मेरे पास जमा हो गया है। और हम सबका बैठे बैठे अलग, 5 का अलग, 2 का अलग, 1 का सिक्का सबको अलग अलग करने में ही मेरा बच गया है आज 11:30। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी हम दोबारा चाय बनाएंगे, तो चाय बनाएंगे फिर चाय पियेंगे, और आज देखते हैं कि क्या खाते हैं और क्या हम बनाते हैं। तो ये कल रात में हम बनाए थे, ये मटर वाला इडली बनाए थे, कोई बड़ा बनाए थे कोई छोटा बनाए थे, तो ये अभी 2 ठो बचा हुआ है, कल रात में वही बनाए थे और बादाम का चटनी बनाए थे तो हम खाए थे, और ये सुबह भी बचा हुआ है। और अभी हम क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर में थोड़ा सा अंडा भी है 4-5 ठो और ब्रेड भी है, तो देखते हैं क्या बनाएंगे फिर मेरे ब्लॉग में। अभी फिलहाल बने रहिए, अभी फिलहाल मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ। तो ये देखिए हम चाय को बना लिए हैं, और ये देखिए मेरा चाय, मस्त चाय बना, ये दूसरा बार हम चाय पी रहे हैं सुबह से, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आज हम लोग का किटी पार्टी था, आपको बताए थे, लेकिन अचानक कल कैंसिल हो गया। इस वजह से मन में था जोश कि आज बाल उल डाई करेंगे, डाई उल लाए थे खरीद के, कुछ करने का मन नहीं किया है। जा रहे हैं अभी दोस्त को फिर फ़ोन करेंगे, वो क्या बोलती हैं, तो कुछ थोड़ा सा घूमेंगे, बउआएंगे इधर उधर, तो आपको भी दिखा देंगे कि आज हम क्या क्या बउआए हैं और बउआने में क्या क्या हमको दिखा है, तो सब आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, कहीं घूमना फिरना है ये नहीं, सोचे थे आज किटी पार्टी में होता तो वो आपको दिखा देते, तो आपका भी थोड़ा मन लग जाता कि हम महिला लोग करते क्या हैं उस किटी पार्टी में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम चाय पी रहे हैं, पीना किसके किसको है, ठंड में चाय पीना इसे भी बहुत दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन अपने हाथ से बना कर पीने में वो सुख नहीं है जो दूसरा कोई बना के दे, सो उसमें सुख है। तो फ्रेंड्स हम चाय पी लिए हैं, और इधर देखिए तसला में एक तरफ चावल बनाने के लिए चढ़ा दिए हैं पानी, और एक तरफ ये बॉयल करने के लिए अंडा। अंडा बॉयल करते समय हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो आज देखते हैं हम बनाएंगे शायद अंडा कड़ी, चावल और रोटी बनाएंगे, और रात का 2 ठो मेरा इडली बचा हुआ है वो खाएंगे। लाइन कटा हुआ है और आज हवा भी काफी बह रहा है, लाइन कटा होने की वजह से आपको पता है कि मसाला पीसने में भी थोड़ा दिक्कत आएगा। तो आज सोच रहे ना कि क्या करेंगे, ग्राइंडर इन्वर्टर पे ही पीस लेंगे मसाला, और गर्म पानी भी हो नहीं रहा है तो नहाएंगे किस तरह से पता नहीं, और घड़ी में बज गया है 12। आज लगता है कि कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं अब खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर अभी मैं जाती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट पीस लेते हैं इन्वर्टर पे ही। कपड़ा कितना स्पीडली घूम रहा है, जैसे दुनिया गोल है उसी तरह ये घूम रहा है, मजा आता है हमको इस तरह से देखने में। कुछ नहीं ना दिख रहा है, अंडा को भी हम अच्छे से छील लिए हैं, 5 ही अंडा था, और प्याज भी काट लिए हैं। इधर तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं, चावल मेरा बन चुका है, ये देखिए चावल हम बना लिए हैं, एक ही डिब्बा बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो मेरा फाइनली नहाना धोना सब हो गया है, खाना भी मेरा पूरा बन गया है, चावल रोटी अंडा करी। और आज काफ़ी लेट हो गया है ना, आज 1 बज गया है, तो हम नहा धो लिए, लेकिन पूजा पाठ वगैरह किए नहीं है, आज ज़्यादा ठंड है इसलिए थोड़ा सा छत पे भी जाएंगे। तो देखिए काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग छत पे आए हैं, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रहा है, इस वजह से ठंड भी देखिएगा बढ़ जाएगा, अब झारखंड में लगेगा कि ठंड आ रहा है। तो बस आधा घंटा छत पर आए हैं,
बस धूपा में थोड़ा सा रह लेंगे, देह गर्म हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी हम खाना भी नहीं खाए हैं ना, आज काफ़ी लेट हो रहा है। तो अभी शाम का 6 बज रहा है और हम जा रहे हैं हटिया। देखिए आज के भी टाइम बाद स्वेटर भी निकाल लिए हैं, स्वेटर वेटर पहन कर हम रेडी हो गए हैं, तो निकलते हैं हटिया के लिए। हटिया हम लोग बोलते हैं सब्जी मंडी को, वहाँ सब्जी उब्जी लेंगे। तो चलिए हम गल्ला से नीचे उतर जा रहे हैं, 3-2 तल्ला तक ही हम लोग के यहाँ ब्लॉक में लाइट है, ग्राउंड फ्लोर में बहुत अंधेरा होगा और रोड पे भी काफ़ी अंधेरा होगा। ये हम लोग का शिव मंदिर है, हम लोग यहीं पे आते हैं दर्शन करने के लिए। ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये देखिए स्टॉल लगा हुआ है गुपचुप का, सब आदमी खा रहे हैं गुपचुप। ये राजेंद्र मोड़ है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। चलो चलो यहाँ पे रोड पार करने में बुझे, यहाँ पे आदमी सुस्त तरह से देखिए दिया बत्ती जलाए हुए हैं, सब आग उग सेक रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा चादर का भी दुकान है। हम लोग जा रहे हैं हटिया के अंदर, ये इधर सामने में ये पुलिस क्वार्टर है। सब्जी मंडी में हम लोग आ गए हैं फाइनली। निशा शिमला कैसे दे रहे हैं? 1 पाव 15 अच्छा 1 पाव 15 1 पाव आधा किलो 20 नहीं होगा? अच्छा
हाँ लीजिए दे दीजिए। नहीं नहीं गाजर और क्या गाजर हो जल्दी पत्ता मिर्चा डाउन ना ये गाजर अभी चल गई सर ऐसे हाँ संतरा देने का मन था टमाटर कैसे दे रहे हैं टमाटर संतरा कैसे दे रहे हैं 80 रुपये हाँ पकड़िए तो आधा किलो दीजिए चाहिए 10 रुपये चेंज बच क्या 10 रुपये दो ना तो देंगे नहीं है वो 6 रुपये 10 रुपये तो इनसे मांग ले लीजिए दे दिएगा इनको साथे आते हैं जाते हैं रुको रुको होगा कितना आधा किलो हो गया लो हेलो तुमको देना है चलिए चलिए ज्यादा ही धनिया पत्ता कैसे दे रहे हैं आलू 12 है आलू 12 है आलू 12 है एक पन्नी में डाल दो 12 है मेथी आज नहीं लाए हैं दो बेटा 12 बथुआ कैसे दे रहे हैं 12 दो ठो दे दीजिए 12 हाली जाइए दो हाली जाइए दोनों को हाँ ये दोनों पन्नी में डाल दीजिए ना हमारा एक
अब 10 रुपए का लिए आपको 3 मुट्ठी देना चाहिए। अब नहीं मिल रहा, बहुत कम मिल रहा। दुकान वाले तो है ये नहीं है। चलो दुकान वाले नहीं है। बोले कि चूड़ी 3 पीस वाला है। ये सब टाइप में मिलेगा चूड़ी, फिर जैसे कि आपका बाला आता है ना 3 पीस, सब टाइप में आएगा। नहीं जैसे बीच में एक मोटा रहता है, साइड साइड से पतला वाला रहता है, वैसा नहीं रखे हैं। नहीं है यानी कि ना है, हमको जानकारी नहीं रहती है ना परिवार सब। ठीक है तो फिर थ्री पीस वाला चूड़ी रखे हैं क्या? बीच में जो मोटा रहता है, साइड साइड से पतला वाला होता है, सो दिखाइए दोनों में। डेली यूज वाला में दिखाइएगा। कलर देख रहे हैं वही वही जो दिए वही है। ग्रीन दिए ना, देखिए 3 पीस वाला क्या पड़ता है सबका? क्या पड़ता है सबका? सिंगल वाला चलेगा, सिंगल वाला देखिए मैंने क्या पड़ता है बताइए ना। सबको किसका बताओ? किसका 130 रुपया पड़ेगा। ठीक है रहने दीजिए। हम गए थे हटिया, थोड़ा सा इधर उधर भी सब्जी वगैरह जो जो लेना था, थोड़ा मोड़ा लेना था, पथुआ वगैरह वो सब ले लिए हैं। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, तो मिलते हैं आपसे हम नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।